नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आपको सूरत का दृश्य दिखा रहे हैं। सूरत में रिंग रोड पर सहारा दरवाजे के पास श्री साईराम टेक्सटाइल मार्केट में आज से श्याम इंटरनेशनल का उद्घाटन हो रहा है। गौरव की बात यह है कि जिन्होंने ये शोरूम खोला है, शॉप खोला है, वो हमारे सुजानगढ़ तहसील के बहुत ही छोटे से गाँव कोलासा से बिलोंग करता है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में सोनू जी राजपुरोहित ने 5 दुकानें अपनी सूरत में कर ली है और ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। और आज मैं आपको उस युवा से और उनके प्रतिष्ठा से मिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस टेक्सटाइल मार्केट में या टेक्सटाइल के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप सोनू से प्रेरणा भी ले सकते हैं और उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है तो मैं आज आपको इस ओपनिंग के अवसर के कुछ क्षण दिखाना चाहूँगा और इस बाद में हम सोनू से बातचीत भी करेंगे। आइए उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। सूरत के साईराम टेक्सटाइल मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज फर्स्ट फ्लोर में श्याम इंटरनेशनल का उद्घाटन हो रहा है। अब हम फर्स्ट फ्लोर में पहुँच चुके हैं और ये अब आप देख रहे हैं, ये हम पहुँच चुके हैं श्याम इंटरनेशनल में। एक्सक्लूसिव फैंसी साड़ीज और लहंगे का शोरूम है और सबसे बड़े गौरव की बात है कि हमारे सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गाँव कोलासर का यह शोरूम है जिसके प्रोप्राइटर हैं सोनू जी राजपुरोहित। और ये अब शोरूम का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर हर तरह की खूबसूरत डिजाइन साड़ियाँ और लहंगा उपलब्ध हैं। ये श्याम इंटरनेशनल का एक्सक्लूसिव फैंसी साड़ी और लहंगा शोरूम आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत इंटीरियर डेकोरेशन आप देख रहे हैं और जितना खूबसूरत शोरूम है उतनी खूबसूरत साड़ियाँ और लहंगा आपके लिए उपलब्ध हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत साड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। हर तरह की फैंसी साड़ीज श्याम इंटरनेशनल में उपलब्ध हैं जो कि श्री साईराम मार्केट के फर्स्ट फ्लोर में है। सारा दरवाज़ा के पास देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन साड़ियाँ दिखाई जा रही है आपको। मैं बता दूं, ये वीडियो उन दुकानदारों के लिए हैं जो होलसेल साड़ी की ख़रीदारी करते हैं और ये शोरूम हमारे सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव के सोनू जी राजपुरोहित का है और ये इनका ये 5वां शॉप है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत साड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। हर तरह की फैंसी साड़ीज श्याम इंटरनेशनल में उपलब्ध हैं जो कि श्री साईराम मार्केट के फर्स्ट फ्लोर में है। जैसे कि राजस्थान वालों के मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पास मारवाड़ टेस्ट ऑल वेराइटी अवेलेबल मिलेगी आपको। साड़ी में है जो कि चिप रेंज से 80 रुपये से साड़ी स्टार्ट मिलेगी। इसमें आपको जैसे कि 80 रुपये में प्रिंट जैसे आता है रेगुलर यूज, जैसे कि कई बोलते कटा फटा वगैरह आता है 80 रुपये में, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 80 रुपये में फ्रेश साड़ी मिलती है जो कि आप कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने वेराइटी ख़राब दी है, वेराइटी चलती नहीं है, ऐसा वगैरह, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं वेराइटी ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा आपको जैसे कि प्रिंट में है, जैसे कि वर्क में है, तो मैं इस टाइप की साड़ी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। मैं कुछ स्टार्टिंग रेंज की रेंज है, एक दो वेराइटी आपको बता भी दूंगा। हमारे व्यापारी भाई भी देख रहे हैं, बहुत सारे दुकानों वाले जी, तो वो भी चाहें तो अपने दुकान पे इतनी सस्ती रेंज से शुरू करके थोक में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस पूरा रहेगा भाई सोनू और संदीप का, तो आप कुछ अपनी क्वालिटी दिखा रहे हैं तो उनका सभी दर्शक देखना चाहेंगे, तो स्टार्टिंग से आप बताएँ रेंज तक। कुछ विशेष वैरायटी है साड़ियों की जो हमारे जितने भी राजस्थानी दर्शक भाई देख रहे हैं देश विदेश में जो भी हैं जहां भी आप देखें, और भाई सोनू उनको शो कर रहे हैं स्क्रीन के सामने, तो हम सोनू से निवेदन करेंगे कि आप अपने जो चीप से लेकर हैवी रेंज तक जो भी, जैसे कि ये आता है एक साड़ी, ये आता है 80 रुपये से स्टार्टिंग है, अपने पास 80 रुपये से स्टार्ट है, ये देखिए इस टाइप की, क्योंकि मैं पूरी वैरायटी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, अगले वीडियो में शोर के आपको पूरी वैरायटी में अवेलेबल करवाऊँगा जी। अभी आज मेरा ओपनिंग है मेन, ठीक है, गुरुजी के आशीर्वाद से आज कुछ मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ कि मैं इनको वीडियो में, ठीक है,
ये देखिए, फिर आता है वर्क में इस टाइप की वेराइटी। जैसे कि वर्क में मेरे पास साड़ी हो जाती है 225 रुपीज़ से स्टार्टिंग। जी बिल्कुल, मेरे यहाँ कायम के व्यापारी आते हैं सब ऑल इंडिया एंड इंटरनेशनल के। तो मैं कहता हूँ, एक मैं राजस्थान वालों के लिए क्या नहीं कर सकता। एक बार मैं कहता हूँ कि मेरे को राजस्थान वालों भी सपोर्ट करो कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एक बार वेराइटी देखिएगा, वेराइटी बहुत सारी, मैं नेक्स्ट वीडियो में शोर आके आपको वेराइटी बताऊँगा। जय श्री कृष्णा की पंडित जी, मैं सूरत आया था, यानी मुझे साल भर हो गया। तो पहले तो मैं यहाँ पर काम कर रहा था, किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहा था। तो पर सोनू भाई मुझे मिले, और पहले भी हम दोनों रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं स्कूल टाइम से। तो इन्होंने मिला तो बोला कि हम कुछ करते हैं, मेरे पास अभी मैं सोच रहा हूँ कि अलग करने का। तो हमने बोला कि अलग करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पर हमारे यहाँ जो पूरा गारमेंट है वो पूरा मिले। यानी एक जो वहाँ से बंदा चल के आए, राजस्थान से आए और डिस्ट यानी आए जो चल के, उसको एक ही जगह पर पूरा सामान मिले। तो हमने यहाँ पर कर रखा है कि यहाँ पर पूरा आइटम मिलता है, यानी कुर्ती हैं, लेगी हैं, सूट हैं, साड़ी हैं, लहंगे हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और होली की राम राम सभी जो मेरा देख रहे हैं आपको, सभी क्षेत्रवासियों को मेरे होली का राम राम। एसएन सुजला के सभी व्यूवर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हमें 6 साल हो गया मुझे, और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि मुझे एक आज भी वाक्य याद आता है कि मैं जब 6 साल पहले सूरत आया था, तो फर्स्ट टाइम मेरा इधर सूरत आना था, तो मेरा छोटा भाई है वो सोनू, फर्स्ट टाइम मैं सूरत से गया था 2-3 महीने के बाद। तो उसने बोला कि मैं भी इस कपड़े की लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको मना किया, मैं तेरी उम्र नहीं अभी, अभी मेरे को जाने दे, थोड़ा मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आना। तो उसने नहीं माना मेरा, और उसके बाद आज बड़ी मेरे को गर्व महसूस हो रहा है। आज मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारी 3 ब्रांचें ऑलरेडी हो चुकी है। मैं साड़ी एंड कुर्ती संभालता हूँ, आज मेरी एक और, मैं बहुत ही हैप्पी एंड हेल्थी हूँ कि आज मेरा भाई छोटा भाई है जो मेरे को भी पीछे छोड़ दिया। बड़ा गर्व की बात हो रही है कि आज साड़ी। वैसे मैं आपके सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरा राजस्थान के अंदर सीकर, लक्ष्मणगढ़, नागौर, हर जगह पर सूट और कुर्ती का ऑलरेडी माल काफ़ी जगह जाता है। और मैं काफ़ी आपको ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैसे बता नहीं सकता, लेकिन अब जब भी आप मैसेज करोगे तो मैं सबका एड्रेस भी देने वाला हूँ। सीकर के अंदर मेरे काफ़ी कस्टमर हैं जिनको मेरा काफ़ी क्रेडिट बेस पे भी काम अच्छा होता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ साथ ये साड़ी का भी अच्छा काम हो। इसके लिए मैं आज एहसन सुजला के माध्यम से अच्छे आपके साड़ी का, हमारी साड़ी की रेट रहेगी वो 80 रुपये से स्टार्ट है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्राइडल कलेक्शन है जो आपको इस दुकान के अंदर आपको मिल जाएगी। बात रही होम डिलीवरी की, होम डिलीवरी की बात है तो हमारी ये साड़ी का जो भी रहेगा ना, वो पार्सल हमारी बसों के द्वारा आपके सीकर, जैसे उदाहरण के लिए सीकर का लेते हैं तो हम बस के माध्यम से आपके सीकर तक पहुंचा देते हैं। जब तक माल ना मिले, जब तक आपके पैसे सेफ हैं, उसके लिए बेफिक्र रहिए और अच्छे से काम कीजिए। युवा कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, युवा जुनून होता है, जोश होता है, और जो अवस्था होती है युवावस्था, उसमें इंसान चाहे तो अच्छा भी कर सकता है और चाहे तो रॉन्ग स्टेप भी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो हमारे ये छोटे छोटे युवा ग्रामीण क्षेत्र से आज व्यापार में आए हैं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए। मित्रों, इस समय मैं आपको सूरत के श्री साईंराम टेक्सटाइल मार्केट का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज शाम इंटरनेशनल का उद्घाटन हुआ है। और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि जिसने ये व्यवसाय किया है वो हमारे सुजानगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव कोलासर से बिलोंग करता है। केवल 21 वर्ष का युवा है और इनके 5 प्रतिष्ठान सूरत में हो चुके हैं, और ये प्रत्येक सुजानगढ़ वासी के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस प्रतिष्ठान के बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि आज का युवा नौकरी नहीं करना चाहता, अपना काम करना चाहता है। और सोनू के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने शुरुआत में आकर सूरत में नौकरी की, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, उसके बाद में उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और अब लगातार तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सूरत जैसे महानगर में आज अगर एक छोटा सा गाँव का एक युवा प्रगति करता है तो ये हर युवा के लिए प्रेरणादायी बात हो सकती है। मेरे साथ इस समय खुद सोनू राजपुरोहित है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका, और सबसे पहले आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा। सोनू, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्ष पहले सूरत आए थे? मैं 2016 में आया था सर। जी जी, तब से मैंने स्टार्टिंग में नौकरी की थी। अच्छा। 2 साल मैंने नौकरी की थी, अच्छे से सेटअप हुआ, अच्छे से मतलब जानकारी ली, फैब्रिक का पता चला कि नहीं ये फैब्रिक ये होता है, ये फैब्रिक ये होता है, तो मैंने उसमें घुसने की कोशिश की। धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मेरा। हाँ। तो फिर मैंने ये और कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि नहीं, मैंने मेरे को भी शॉप करनी है।
कॉन्फिडेंस हुआ मेरा कि फिर मैंने छोटा सा एक शॉप किया, फिर उसको चलते चलते अच्छा प्रोग्रेस हुआ तो फिर मैंने एक और किया, साड़ी का अलग, लहंगे का अलग, सूट का अलग, कुर्ती का अलग, ब्लाउज का अलग, दुपट्टे का अलग, ऐसे मैंने करके पाँचवा है ये शॉप मेरा। शुरुआत में आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा सूरत में, क्योंकि महानगर में अगर एक युवा कम उम्र में जाता है तो उसको बहुत कुछ सीखने के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। बहुत करना पड़ता है सर, स्टार्टिंग में अपने को देखो कई प्लास्टिक पैकिंग भी करवाते हैं, कई कुछ भी करवाते हैं, आज अपने को व्यवस्थित माल सेटवाइज करवाते हैं, अपन हेल्परिंग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर उसके लिए। देखो सीखना भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि वहाँ पे है ना सूरत में ऐसा है कि आपको ऑल इंडियन इंटरनेशनल कस्टमर आते हैं, जहाँ पे आपको हर कस्टमर एक नई बात सिखा के जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को राजस्थान वालों से मैं जुड़ूँ कि मेरे को भी एक राजस्थान वाले ऐसी बात सिखा के जाए कि मेरे को भी कुछ याद रहे और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि अपने जैसे कि राजस्थान वालों है हो जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि सर कि आज ऑल इंडिया कस्टमर आते हैं तो हर कस्टमर क्या बोलता है कि मेरे को ऐसी वेराइटी चाहिए, वैसी वेराइटी चाहिए। अपन उसकी वेराइटी एक वेराइटी समझ लेते हैं ना सर, तो अपने को उसको मतलब हज़ारों वेराइटी दे सकते हैं। एक वेरायटी समझनी पड़ती है कस्टमर की कि नहीं अपन, अब जैसे कि राजस्थान की अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि बांधनी चलता है कंपलसरी चलता है, और जैसे कि वेटलेस फैब्रिक है वो कंपलसरी चलता है, गर्ली साड़ियाँ होती है वो कंपलसरी राजस्थान में चलने वाली चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको हर वेरायटी हर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाऊँगा, हर एक ब्रांड आपको अवेलेबल करवाऊँगा, जैसे विशाल है, ये विशाल संग्रीला मंथन एस आर ऑल ब्रांडेड कैटलॉग्स आपको अवेलेबल मिलेंगे सर। बहुत अच्छी बात एक सोनू ने यहाँ पर कही है कि हर कस्टमर आपको कुछ तो कुछ सीख देकर जाता है और इस बात को हमें पकड़ने की आवश्यकता है। और ये कह रहे हैं कि एक वेरायटी अगर कोई बताएगा तो उसमें हमें हज़ार आइडिया मिलेंगे, ये है सफलता का मंत्र। मैं आपकी आज की शोरूम की बात करना चाहूँगा जो आपने श्याम इंटरनेशनल किया, इसमें खास खास क्या चीज़ उपलब्ध हो हमारे ग्राहकों को बताएं। इसमें अपन साड़ी एंड लहंगा थोड़ा स्पेशलिस्ट रखा है सर कि, और इसमें कि आपको दुपट्टा सूट कुर्ती साड़ी लहंगा ब्लाउज सब अवेलेबल मिलेंगे इसमें आपको। जी सर अच्छा जी, अभी जो वर्तमान में जो फैशन चल रहा है लिस्ट में वो क्या चल रहा है और उसमें आपकी खासियत क्या है आपकी शॉप? अभी जैसे कि मेरे जैसे कि लहंगे में है, तो लहंगे में क्या अभी फैंसी लहंगा चलता है, जैसे कि शोबर, जैसे गर्लीस और जो कि अभी गर्ल चॉइस के लहंगे चल रहे हैं, जो कि शोबर एंड यूनिक पैटर्न जो काफ़ी मशहूर है, जैसे कि नेट पे अभी इम्पोर्टेंट नेट पे काफ़ी ग्लिटर के लहंगे चल रहे हैं, वो काफ़ी मतलब पसंद करते हैं। या राजस्थान के भी कई ऐसे व्यापारी जो अपन मतलब जयपुर के व्यापारी कायम के व्यापारी है जो अपने को ऑर्डर देते हैं कि नहीं ऐसा माल बनाइएगा सर, ऐसा माल बनाइएगा, तो हमें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग वेराइटी सब वेराइटी में आपको बताऊंगा। जी सर एक चीज़ बताइए कि आज कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है वो हर तरह की रेंज रखना चाहता है, तो आपके पास जो जैसे साड़ीज है लहंगा है उसमें क्या रेट से क्या रेट तक का आपको ये साड़ी और लहंगा उपलब्ध है, हमारे जो दुकानदार जो आपसे खरीदारी करने जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि राजस्थान वालों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप वेरायटी सब रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया 80 रुपये से, तो 80 से 100, 100 से 150, 150 से 200 मतलब इसके अंदर की रेंज आपको बहुत सारी रेंज रखनी पड़ेगी, और कम मतलब वेरायटी कम मतलब वेरायटी फुल होगी लेकिन क्वांटिटी कम रखो, लेकिन वेरायटी आपको हद से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे कस्टमर का क्या होता है कि कस्टमर को हर साड़ी खोल के दिखाना पड़ता है, इसको आप दो साड़ी दिखाओगे उसमें से एक साड़ी सेलेक्ट नहीं कर पाएगा वो, उसको आपको कम से कम 10 साड़ी सेलेक्ट करवानी पड़ेगी, कम से कम 10 या 15 साड़ी आप ओपन करोगे उसमें से 2 सेलेक्ट करेगा, तो ऐसा सिस्टम रहता है सर। जी एक चीज़ और भी देखने हुई, कपड़े में कहते हैं कि नई डिजाइन आती है और नित्य नया फैशन आता है, तो उसके लिए आप किस तरह से व्यवस्था करते हैं सब? जी सर अपना जैसे कि अब जो नया डिज़ाइन आया, कई कस्टमर अपने को फ़ोटो भेजता है कि नहीं सर ऐसा डिज़ाइन चलाओ ऐसा डिज़ाइन चलाओ, हर कस्टमर देखो हर बंदा हर कस्टमर अपने को कुछ ना कुछ देके ही जाता है, लेके कुछ नहीं जाता, कुछ देके ही जाता है कि नहीं आप ये डिज़ाइन बनाइएगा ये डिज़ाइन बनाएगा, वो खुद प्रोसेस डालते हैं अपने पे, तो हम वो डिज़ाइन अप्रूव करते हैं कि नहीं आज ये डिज़ाइन कस्टमर ने नया दिया, आज साउथ अफ्रीका के कस्टमर है, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके इस प्रकार के पाकिस्तान के भी कस्टमर अपने पास आते हैं। अच्छा विदेशों से भी क्रय करते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सब ऑल इंडियन इंटरनेशनल कस्टमर अपने पास अवेलेबल रहते हैं। सुनो वैसे एशियन के दर्शक पूरी दुनिया में है सब जानते हैं क्योंकि हमारे लगभग 11 लाख सब्सक्राइब हो चुके हैं, लेकिन हमने ये वीडियो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया है, तो हमारे सुजानगढ़ या चुरू जिले की बात करें उन लोगों से आप क्या निवेदन करेंगे? मैं कहता हूं कि एक बार मेरे राजस्थान भाइयों को कहता हूं कि आप एक बार मेरे से जुड़ के देखिएगा आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप एक बार मेरे से जुड़िए, मेरे ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार आप मेरे को कॉल करके आप मेरे से विजिट कीजिएगा, मेरे शॉप पे आके विजिट करोगे तो और ही मेरे को अच्छा लगेगा, और आप मेरे को कॉल करके एडवाइस ले सकते हो।
बहुत अच्छी बात कही कि आप सूरत आकर एक बार मिले। और मैं पुनः आपको बता दूं कि श्री साईराम टेक्सटाइल मार्केट में आपका ये शॉप है सारा दरवाजा के पास, और रेलवे स्टेशन से बता रहे केवल 500 मीटर की दूरी पर है। और आप कह रहे हैं कि आप कॉल करके भी मुझे सुझाव दे सकते हैं या आपसे कुछ मुझसे कुछ सुझाव ले सकते हैं, और क्या निवेदन करेंगे हमारे दर्शकों से विदा लेने से पहले? जी सर, मैं ये कहता हूँ एस जी एन सुजला का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे राजस्थान भाइयों को बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वास्तव में उत्साही युवा है, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति महानगर में जाके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है तो हमारे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज का युवा जो है वो नौकरी में ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन कहते हैं कि जो अपना बिजनेस करता है वो निश्चित रूप से वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें हौसला होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है। और सोनू ने केवल 2-3 साल की नौकरी करने के बाद में अगर आज अपने 5 शॉप सूरत में कर लिए तो ये प्रत्येक हमारे दर्शक के उस युवा के लिए प्रेरणादायी बात है जो अपने व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ करना चाहता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज से हमारे इस छोटे से गाँव कोलासर के सोनू जी राजपुरोहित ने इतना बड़ा व्यवसाय किया है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगरी प्रगति करे और आपके शोरूम 5 से बढ़कर 10 हो जाए, और पुनः हमें एक बार फिर किसी नए शोरूम की ओपनिंग पर अनेक अवसर मिले। एस एन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।